भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय इकाई के तत्वाधान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती समारोह का आयोजन जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के सभागार में आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा के क्षेत्रीय संयोजक एडवोकेट अमिताभ त्रिपाठी, अटल सहित अन्य पदाधिकारियों ने पंडित दीनदयाल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय संयोजक एडवोकेट अमिताभ त्रिपाठी अटल ने बताया कि पंडित दीनदयाल के विचार एकात्म मानवतावाद पर आधारित प्रखर राष्ट्रवादी विचारधारा को साथ लेकर दलितों व शोषित एवं वंचितों के उत्थान एवं सामाजिक न्याय के लिए सतत प्रयास करना था। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अयोध्या प्रसाद तिवारी, विष्णुकांत शुक्ला, कृष्णचंद चतुर्वेदी, कृष्ण कुमार त्रिपाठी, अध्यक्ष योगेंद्र कुमार मिश्र, मंत्री सुभाष चंद्र यादव, शासकीय अधिवक्ता राजस्व विवेक सरकारी, गजेंद्र मोहिनी त्रिपाठी, कृष्ण दामोदर पाठक, राममोहन सिंह, रमाश्रय तिवारी, कमिश्नरी उमेश श्रीवास्तव, धर्मेंद्र कुमार मिश्र, रमाशंकर राम तिवारी, अजय कुमार बजरंगी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के विधि प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक एडवोकेट अमिताभ त्रिपाठी अटल ने कहा, उधर देखिए भैया उधर आज के इस कार्यक्रम में कार्यक्रम के क्षेत्रीय संयोजक जिसे सम्मानित मंच से आग्रह करूंगा अमिताभ त्रिपाठी अटल, क्षेत्रीय संयोजक विधि प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर। देखिए, पंडित दीनदयाल जी भारतीय राजनीति के वह शलाका पुरुष थे जिन्होंने लोकतंत्र को बिल्कुल अलग ढंग से परिभाषित और स्थापित करने का कार्य किया। वह एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने प्रखर राष्ट्रवाद की धारा के साथ ही साथ मानवतावाद को एक साथ लेकर चलने का मार्ग प्रशस्त किया और एकात्म मानववाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिस पर आज यह संतोष की बात है कि हमारी सरकारें निरंतर आगे बढ़ रही हैं, कार्य कर रही हैं। सर, किस तरह से क्या कहना चाहेंगे लोग जो निश्चित रूप से दीनदयाल जी एक स्वयं में बहुत ही मेधावी व्यक्ति थे और उन्होंने जो भारतीय समाज में, भारत की राजनीति में जो मानदंड स्थापित किया एक राजनैतिक व्यक्ति के चरित्र के उज्ज्वलता का, पराकाष्ठा का, और जो उन्होंने इस देश को आगे बढ़ने के लिए, परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए यहाँ के दुख, दैन्य, गरीबी, दरिद्रता से संघर्ष करते हुए पार पाने के लिए जो उन्होंने सिद्धांत दिया, वह विश्व के लिए अनुकरणीय है। सर,